गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल डू चैप्टर 7 वाइज एक्सप्रेशंस। इन दिस चैप्टर वी विल सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवर्ब्स गिवन एंड यू हैव टू टेल विच वन इज रिलेटेड टू विच क्वेश्चन नंबर। ओके, so there are 6 questions given and there are 6 proverbs also given in between. You have to tell which one is correct. Now number 1, Tara lost her ball in the park today and she is very sad. So children, you have to tell which proverb will fit in this. So Tara lost her ball in the park today and she was very sad. Now you think her ball will, she will get her ball back when she has lost her ball? No. जब एक बार उसकी बॉल खो गई है तो अब उसको कहाँ से मिलेगी, तो अब क्या फ़ायदा? तो इसके लिए ये जो प्रोवर्ब है नंबर ई पे, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मीन्स कोई काम गलत हो जाने पर उसके बाद उसका पछतावा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो काम हो चुका है ना गलत, अब उसकी बॉल खो चुकी है, अब उसके लिए रोने से या पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2, ज्योति एंड ताशा जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू द असाइनमेंट टुगेदर। The best proverb will be suiting is B. The two heads are better than one. Means किसी दो से भला एक। ज्योति एंड ताशा just don't want to do the assignment together. Means वो दोनों एक साथ assignment नहीं करना चाहते हैं। Because two heads are better than one. क्योंकि अगर आप एक काम में दो दिमाग लगाओगे तो वो काम बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि कोई एक दिमाग लगाए और वो एक तरह से काम हो पाएगा। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिया हैज़ अ टेस्ट टुमारो एंड शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, शी इज़ प्रेइंग टू गॉड फॉर गुड मार्क्स। देखो, अब उसने टेस्ट की तैयारी भी नहीं की है और वो भगवान से मना रही कि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? सो इसके लिए प्रोवर्ब कौन सा सही होगा? प्रोवर्ब मीन्स बच्चों जो कहावतें होती हैं, मुहावरे, हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मुहावरे। प्रोवर्ब मीन्स मुहावरे, जो हम कहावतें कहते रहते हैं अक्सर। सो इसके लिए नंबर 1, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, जो खुद अपनी मदद करते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है। अगर आप घर पे बैठे हुए हो और पढ़ लिख नहीं रहे हो और सोचो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद पढ़ोगे लिखोगे नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, मैरी बॉट अ लॉटरी टिकट, She had already made plans for what to buy with the prize money even before she won. Now, इसके लिए the best one proverb will be F. Don't count your chickens before they hatch. One second, children. Yes. Don't count your one second children. Mary, I will repeat the question. Mary bought a lottery ticket. She had already made plans for what to buy with the prize money even before she won. Actually, उसने एक lottery ticket खरीदा है और अभी वो जीती नहीं है lottery. But उसने plans बना लिए हैं कि अगर वो जीत जाएगी तो क्या क्या करेगी। तो अभी तो काम हुआ नहीं है और हमने पहले से ही ये सपने देखने शुरू कर दिए कि हाँ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए इसके लिए प्रोवर्ब जो सबसे सही होगा वो है
डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अपने काम को करने से पहले ही उस पर ये मत सोचो कि हम ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच का मतलब वैसे होता है कि जब मुर्गी अंडे देती है और उसमें से जितने भी चिकन्स निकलेंगे हैच होने के बाद अंडों से, ज़रूरी नहीं कि सारे अंडों से चिकन्स निकले, कुछ अंडे ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ चिकन्स मर भी सकते हैं। तो अगर मुर्गी ने 6 अंडे दिए हैं, अगर मुर्गी ने 6 दिए हैं 6 दिनों में, तो ज़रूरी नहीं कि सारे अंडे सही सलामत रहेंगे और 6 के 6 चिकन्स उसमें से पैदा होंगे। नहीं, कुछ हो सकता है मर जाएँ, कुछ अंडे फूट जाएँ, या कोई अंडा कोई ले जाए। तो इसलिए पहले से हमें नहीं एश्योर होना चाहिए कि ये काम हो ही जाएगा, जब तक कि वो हो ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अमन हैज़ नॉट डन हिज प्रोजेक्ट एंड वांट्स टू फिनिश इट क्विकली। नाउ दिस वन इज़ डी, हेस्टे मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अमन हैज़ नॉट डन हिज प्रोजेक्ट एंड वांट्स टू फिनिश इट क्विकली। हेस्ट मेक्स वेस्ट मीन्स जल्दबाजी में कोई भी काम गड़बड़ हो सकता है। अभी उसने कोई काम किया नहीं, उसने प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, और अब वो अब जल्दी से अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो क्या हो सकता है, जल्दबाजी में गड़बड़ी हो सकती है, उसका प्रोजेक्ट ख़राब भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 6, इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क प्रणव इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। नाउ इसके लिए प्रोवर्ब होगा सी, अ लिटिल टू लेट इज़ मच टू लेट। अगर थोड़ी सी देरी हुई तो समझ लो बहुत ज़्यादा देरी हो गई। अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है और गेम खेल रहा है कंप्यूटर पे, तो वो क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। उसको लग रहा है कि थोड़ी सी देरी सही है, हम नहीं करेंगे होमवर्क, लेकिन उसको ये नहीं पता इस तरह से उसका कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा धीरे धीरे, और उसको पता भी नहीं चलेगा बाद में जब वो उसके मार्क्स गंदे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई एंड अप दिस वीडियो हेयर।